बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। स्टॉक मार्केट में 590 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा शहरयार जंजुआ से। जी शहरयार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। ये बिल्कुल आज भी एक तारीख साज दिन है स्टॉक मार्केट के लिए। 67,000 पॉइंट की रिकॉर्ड सतह स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स उबर करने में कामयाब हुआ है। कल मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई थी। तवक्कुआत के एन मुताबिक स्टेट बैंक ने शराय सूद को 22% पर मुस्तहकम रखने का फैसला किया था और बजाहिर आज ऐसा ही लग रहा है कि स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। इसी वजह से आज ट्रेडिंग शुरू होते ही स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। स्टेट बैंक ने यह कहा था कि इन्फ्लेशन मुल्क में काफी बढ़ रहा है, गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके असरात आ रहे हैं महंगाई पर। यही वजह है कि जो शराय सूद बजाहिर कम करनी थी स्टेट बैंक को, उसको बरकरार रखा गया। आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट मजीद जो खबरें होंगी उन्हीं पर रिएक्ट करेगी और लग यही रहा है कि 70,000 पॉइंट का लेवल भी स्टॉक मार्केट आने वाले एक डेढ़ हफ्ते में उबूर कर सकती है। जी जी शहरयार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।